हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नितिन सिंह फ्रॉम चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। आज की क्लास में मैं टीलेट सेकेंड ईयर पाठ्यक्रम से यशेबन सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत यूनिट सेकंड में कक्षा कक्ष में प्रयोग की जाने वाली आकलन की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोगों ने कल के वीडियो में आकलन क्या है, आकलन कैसे करते हैं, आकलन क्यों आवश्यक है, इन सब बिंदुओं पर चर्चा किया था। आज उसी कड़ी में हम ये देखते हैं आकलन हम कक्षा कक्ष में कैसे करेंगे, आकलन की कौन कौन सी विधियाँ कारगर होती हैं, उन कुछ विधियों के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। कक्षा कक्ष में प्रयोग की जाने वाली आकलन की कुछ विधियाँ। बच्चे क्या सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, इसके लिए कौन सी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाई जा रही है, इन सारी बातों को जानने का एक सहारा लेना, आकलन करना, इन सब बातों के जानने के लिए आकलन ही एक सहारा है जिसके माध्यम से हम इन सब बातों की जानकारी ले सकते हैं कि कक्षा कक्ष में अधिगम की कौन सी विधियाँ अपनाई जा रही हैं, कौन सी बातें जानने के लिए बच्चे कैसे सीख रहे हैं, बच्चे क्या सीख रहे हैं, किस मात्रा में सीख रहे हैं, इसके लिए हमें आकलन की आवश्यकता। स्पष्ट है कि अधिगम तभी होता है जब कुछ बच्चे कुछ सोचते हैं, अर्थात समस्या को हल करते हैं या रचना करते हैं या जांच करते हैं, विश्लेषण करते हैं, खोज करते हैं, तो इन सब में आकलन की इन सारी चीज़ों का समावेशन करना आवश्यक हो जाता है। अर्थात हम आकलन की क्रिया के दौरान निश्चित रूप से कोई ना कोई तकनीक अपनाते हैं। देखिए, बात ये इसमें समझना है कि बच्चे जब कुछ सीखते हैं, अधिगम करते हैं, जब कुछ नया उनमें ज्ञान वृद्धि होता है, तो वो कैसे होता है? जब वो कुछ करते हैं या कुछ सोचते हैं या कुछ करें, बच्चे या तो कुछ करें या तो कुछ सोचें या तो किसी समस्या का हल करें या किसी समस्या का रचना कर दें या तो जांच करें या एनालिसिस करें या तो खोज करना भी सीखना हो सकता है। इन सब में को जानने के लिए ये सब करने में बच्चा कितना सक्षम है, किस मात्रा में सक्षम है, कितना सफल हुआ, इन सब को जानने के लिए आकलन की आवश्यकता पड़ती है। आकलन के माध्यम से ही जाना जा सकता है। हम आकलन की क्रिया के दौरान निश्चित रूप से कई न कई तकनीक अपनाते हैं जो इस प्रकार हो सकती हैं। फर्स्ट, अवलोकन। हम ऑब्जर्वेशन कर करके भी छात्रों को जान लेते हैं, छात्रों ने कितना सीखा, किस हिसाब से सीखा, इनके ज्ञान में क्या वृद्धि हुई, कितने मात्रा में सीखा, किस प्रक्रिया में बच्चों की सोचने की क्षमता विकसित हुई, किस प्रक्रिया में बच्चों ने खोज प्रवृत्ति का विकास किया, इन सब माध्यमों को जानने के लिए, शक्तियों को जानने के लिए हम अवलोकन का सहारा लेते हैं। या नेक्स्ट, समन्वय समूह द्वारा। समन्वय समूह का द्वारा का मतलब होता है इंटीग्रेट ग्रुप के रूप में। हमारा ग्रुप यदि संयुक्त हो, एकांत न हो, अधिक बच्चे हो, ग्रुप में हो, समन्वय रूप में हो, उस समूह का हम अवलोकन समूह के रूप में कर सकते हैं। उससे हम समन्वय समूह के माध्यम से हम अवलोकन कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट वर्क देकर भी हम बच्चे का आकलन लगा लेते हैं कि बच्चे ने कितने धैर्य से, कितने अच्छे से, कितने सहज भाव में इस कार्य को किया, इसके सीखने में कितना रुचि लिया, इसके प्रति कितना इंटरेस्ट है, इस माध्यम से भी हम आकलन कर लेते हैं बच्चे को कोई प्रोजेक्ट वर्क दे करके।
औपचारिक बातचीत के द्वारा, फॉर्मल टॉक के द्वारा भी बच्चों से आकलन कर सकते हैं, बच्चों को आकलन कर सकते हैं, उनसे बातचीत करके उनकी मन की बातों को जानकर, उनकी समस्याओं को जानकर, उनकी समस्याओं का निदान भी कर सकते हैं। अर्थात ये सब आकलन की विधियां हैं, इसके माध्यम से हम कक्षा कक्ष में आकलन कर सकते हैं। आकलन के लिए आवश्यक है कि हम उसका अवलोकन करें, समय समूह के द्वारा ऑब्जर्वेशन करें, प्रोजेक्ट कार्य देकर हम बच्चों को आकलन कर सकते हैं, औपचारिक बातचीत के माध्यम से, ये सब जो चारों टेक्निक्स हैं इनके माध्यम से हम बच्चों का आकलन करते हैं। इन सभी तकनीकों में जो हम आपको टेक्निक बताए, तीन चार ठो, अवय समूह और समवय समूह, अवलोकन, परियोजना, औपचारिक बातचीत, ये जो हम आपको चार विधि बताए, इन सभी तकनीकों के द्वारा बच्चों का आकलन कक्षा कक्षा प्रक्रिया के दौरान ही संभव है। लेकिन जैसे जैसे बच्चों से प्रश्न पूछकर आकलन करना, जैसे हम बच्चों से प्रश्न पूछ के आकलन करते हैं, केवल कक्षा कक्षा में ही नहीं करते हैं, हम इस कुछ उदाहरण आप देते हैं आपको, हम आकलन कैसे करते हैं, किस माध्यम से हम अवलोकन करेंगे, एक भिन्न की अवधारणा के साथ हम आकलन करेंगे। आकलन करना है भिन्नों की अवधारणा का, इसके लिए हम किसी संपूर्ण को बराबर हिस्सों में करना, इसके देखिए हम भिन्नों का अवलोकन, बच्चों का आकलन कर रहे हैं भिन्नों की अवधारणा के बारे में। तो हमने क्या किया, किसी संपूर्ण के बराबर हिस्से में करना, कोई संपूर्ण चीज़ें हैं जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, बच्चों को चार क्रॉस चार का मतलब चार कॉलम लो में, चार कॉलम काल, चार बॉक्स कॉलम में और चार बॉक्स रो में हम डिजाइन कर दिए। इसके दो बराबर भाग भिन्न भिन्न प्रकार के कहे जा सकते हैं, इसके दो प्रकार से भाग बनाए जा सकते हैं। सामान्य रूप में बच्चे खड़ी लाइन, पड़ी लाइन, मन बेड़ी लाइन व डाइगोनली की सहायता से डिवाइड कर सकते हैं, या दो बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हैं। हमने कहा इसको दो ग्रुप में बांटने के लिए, तो अधिकांश बच्चे क्या करेंगे, या तो इस ब्रैकेट को या एक लाइन से हॉरिजॉन्टली ऐसे डिवाइड कर देंगे, या वर्टिकली डिवाइड कर देंगे, या डायगोनली ऐसे डिवाइड कर देंगे अधिकांश बच्चे। परंतु कुछ बच्चे इस प्रकार से भी इसका उत्तर देंगे, सोचने की क्षमता की बात है, इक्वल डिवाइड करने की बात है। इसमें देखिए हमने कहा कि हमने इक्वल पार्ट में देखी, ये इक्वल पार्ट होता है, लास्ट वाला जो कॉलम था इसका हाफ कर दिया गया, इसका हाफ, ये भी तो हाफ हाफ हो गया ना, आधा हुआ। कुछ बच्चे ऐसा भी हाफ कर सकते हैं, इतना पूरा पेंट कर देंगे, पूरा बनाते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसा बनाएंगे, कुछ बच्चे इसी को ऐसा भी पूरा कर देंगे, फेडेड पार्ट जो हमने कलर किया ग्रीन कलर में, ये एक साइड, और नॉन ग्रीन क्लियर कलर वाला एक साइड, इस प्रकार से भी बच्चे जो ये अस्कानिंग, मतलब ये कॉलम हाफ, ये भी आधा पार्ट में हुआ, अब इसी प्रकार से हाफ हाफ, अब इसी प्रकार से आप अन्य और विधियों में भी इसका आधा कर सकते हैं। इससे बच्चे की सोचने की क्षमताएं को आप समझ जाएंगे, देख लेंगे बच्चा किस स्तर तक सोच रहा है, किस स्तर तक थिंक कर रहा है। बच्चों द्वारा दिए गए उत्तरों का अवलोकन आप शिक्षक होने के नाते कीजिए, तथा कक्षा कक्ष में चर्चा भी कीजिए कि कौन सा उत्तर गलत है, कौन सा सही है। इससे बच्चों के अन्य तरीकों से आधे समझ की भी विकसित हो जाएगी, अन्य तरीकों से आधा सोचने की क्षमता विकसित हो जाएगी। इस प्रकार बच्चे आधा करने की जो बात आएगी, हाफ एंड मेथड्स, अन्य विधियों के द्वारा हाफ करने या
आधा करने के बाद बच्चों में समझ आ जाएगी। इस विधि से आप फ्रैक्शन की अवधारणा का आकलन बच्चों में सहज भाव में कर सकते हैं। इसके अलावा आप बच्चों को नीचे दिए गए आकृतियों पर तिहाई का निशान लगाने के लिए कहिए। ये देखिए ऐसा आकृति है, ये संपूर्ण बन गया। क्यों देखिए ये आकृति कैसी बन गई, पूरा का पूरा शेडेड बन गया ना? थोड़ा और करते हैं। अब आप लोग इस आकृति को देखिए, हमने कहा सीखा इस आकृति को थर्ड तिहाई करना, थर्ड भाग। अब देखिए क्या इसका तिहाई है, ये इसका चौथाई है, ये इसका तिहाई है, ये पूरा शेडेड पार्ट है, ये इसका तिहाई है क्या, ये इसका तिहाई है क्या? अब आप फिगर देखेंगे आप खुद समझ जाएंगे कि नहीं सर इसमें वन तिहाई वाला भाग केवल ये है। कौन सा भाग वन तिहाई, ये वाला, केवल ये वाला वन तिहाई है, बाकी नहीं है। अब ये बात बच्चे कैसे समझेंगे, बच्चों में ये अवधारणा का विकास कैसे होगा? इसके लिए आप बच्चों को दिए गए उत्तरों का अवलोकन करेंगे, कक्षा कक्ष में चर्चा करेंगे कौन सा उत्तर गलत है और क्यों गलत है, कौन सा उत्तर सही है क्यों सही है। इस प्रकार से आप चर्चा करके बच्चों को वन थर्ड वन तिहाई के बारे में, ये वन तिहाई का कंसेप्ट, वन बाई थर्ड की समझ आप बच्चों में विकसित करेंगे, इनकी क्षमता का विकास करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट आकलन की विधियाँ। एक आकृति दी गई है, इस आकृति में आप बच्चों को रंग भराकर आधे की समझ का विकास कर सकते हैं। इसको कहेंगे कि आप सिमेट्रिक फॉर्म में सर्कल करके पार्ट करके कुछ पार्ट को शेडेड कर दो, इसको सिमेट्रिक पार्ट में ऐसे डिवाइड करके इसको शेडेड कर दो, इसको सिमेट्रिक पार्ट में डिवाइड करके हाफ शेडेड कर दो, ये सिमेट्रिक पार्ट में डिवाइड करके इसे चाहे हॉरिजॉन्टली या वीकली जैसा भी हो डिवाइड करके ऐसा आप कर सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों में समझ विकसित करने का आप प्रयास करेंगे। अब इक्विवेलेंट फ्रिक्शन को पहचान करना, इस प्रकार से बच्चों में हम आकलन कैसे करेंगे। इक्विवेलेंट का मतलब समान भिन्न की समझ को बच्चों में विकसित करना है। समान भिन्न की समझ, अब ऐसा भिन्न जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम की बात आएगी। देखिए ये पार्ट शेडेड है, सेम है, लेकिन ये पार्ट नॉन शेडेड सेम है, लेकिन क्या ये इक्वल फ्रैक्शन है? नो। क्यों? क्योंकि ये पार्ट सेम है, ये पार्ट सेम है, सेम कलर है। हाँ ये कलर होता ये साथ में नहीं, कलर थोड़ा चेंज करते हैं। यदि ये होता तो सही होता। कैसे सही होता, ये देखिए ये इतना हो जाता और लेफ्ट पार्ट में इतना, तो ये सेम हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए सेम नहीं है। ये सेम नहीं है, बोलो बताओ क्या ये सेम है, ये भी सेम नहीं है, ये एक्सेलरेट नॉन सेलरेट, हाँ सेम है, ये एक्सेलरेट नॉन सेलरेट, शेडेड बताओ, देखो इसका शेडेड है, इक्वल है, डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये सेम नहीं है, ये है सेम, छह पार्ट में तीन कलर है, हाँ हाफ सेम है, क्यों है ना, इसमें ये नहीं है। यदि ये दोनों लाइन कलर होते, ये नॉन कलर होते तो हाफ हो जाते, बाकी सेम नहीं है। इस प्रकार से आप बच्चों को कंसेप्ट कक्षा कक्ष में व्याख्या करेंगे, व्याख्या के साथ बच्चों को समझाने का प्रयास आप कक्षा कक्ष में करेंगे और इस तरह बच्चों का अवलोकन भी करते रहेंगे। कैसे? उत्तरों का विश्लेषण करके छात्रों के पृष्ठपोषण यानी फीडबैक दिया जा सकता है और फीडबैक के द्वारा उनको अवधारणाओं सिखाने के संबंध में आगे की योजना बनाई जा सकती है। एक शिक्षक प्रश्न पूछकर अपनाई गई शिक्षण विधि बच्चों को अवधारणात्मक समझ और छात्रों द्वारा सीखी गई अवधारणाओं का दैनिक जीवन में उपयोग
इतिहास का बहुत आसानी से आकलन कर लेता है। प्रश्न पूछने का समय शिक्षक द्वारा निर्धारित किया जाता है। कभी यह अवधारणाओं के विकास के साथ साथ अभी तक बिल्कुल अंत में होता था। आकलन पदों के द्वारा, परीक्षण पदों के द्वारा आकलन, जब हम कोई टेस्ट लेते हैं इसके माध्यम से भी हम बच्चों का आकलन करते हैं। कक्षा कक्ष में परीक्षण लेकर के, परीक्षण के पद के द्वारा हम बच्चों का आकलन कैसे करते हैं, ये भी एक विधि ही है आकलन करने की। कक्षा कक्ष में बच्चों को सामान्य आकलन विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के द्वारा भी किया जाता है। ये प्रश्न ऐसे हो सकते हैं सामान्य रूप से एक निश्चित उत्तर वाले प्रश्न। इसमें केवल ऐसे पद होते हैं जिसका केवल एक निश्चित उत्तर होता है। जैसे ये देखिए, एक निश्चित वाले प्रश्न मतलब जिसका एक प्रश्न एक ही आंसर हो। इसको आप 50, 40, 30 को जोड़ेंगे तो एक ही ना आंसर आएगा। 40, 45, 37, 35 का HCF निकालेंगे तो एक ही नंबर ना आएगा। 48 में 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही नंबर आएगा और निश्चित आएगा। इस प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से भी आप छात्रों का आकलन करते। बहुविकल्पी प्रश्न पूछकर भी हम छात्रों का आकलन करते हैं। बहुविकल्पी पद माने ऐसे प्रश्न होते हैं जिसके उत्तर चार विकल्प के रूप में दिए होते हैं। जैसे संख्या 33 को पूर्ण संख्या में विभाजित करना है, बच्चा ए बी सी डी चारों में से बताएगा कौन सा सही है। इसके माध्यम से भी हम बच्चों में आकलन कर सकते हैं, उनको सीखने के आकलन को समझ सकते हैं। सत्य असत्य के प्रश्नों के माध्यम से मिसेलने या सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इनके माध्यम से बच्चों में यस या नो के जवाब वाले प्रश्न से भी बच्चों में आकलन किया जा सकता है। इस तरह से कुछ अन्य प्रकार के प्रश्न जैसे मिलान करना, खाली स्थान भरना, रिक्त स्थान की पूर्ति, क्विक इत्यादि प्रश्नों के हेतु हम आकलन पूछ कर बच्चों का आकलन कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न जानकारी पर आधारित होते हैं और इस प्रकार के पदों का उत्तर देने के लिए बच्चों को उन तथ्यों या सूचनाओं को पुनः स्मरण करना पड़ता है। हम इस माध्यम से इन सब प्रश्नों के जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस हैं इनके माध्यम से हम अपने विद्यार्थियों को आकलन कर सकते हैं। ठीक, कक्षा 4 के गणित पाठ्य पुस्तक में इस अवधारणा पर चार बहुप्रश्न पत्र वही जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में आ गया, चाहे 4 विकल्प वाले अन्य वाले हों। इस प्रकार से क्वेश्चन 3 अंकों को जोड़कर 48 है तो अंक क्या है, इस प्रकार से भी हम क्वेश्चन को देखकर बच्चों का आकलन कर सकते हैं। देख रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं हम। संख्या एक संख्या को 4 से भाग देने पर 3 शेष बचता है तो वह संख्या क्या होगी, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ कर करके इस प्रकार से प्रश्न संबंधित दिए गए हैं पूछ कर बच्चों का आकलन कर सकते। बच्चों को ऐसे प्रश्न के द्वारा भी ऐसे प्रश्न हल करने देने का लाभ ये होता है कि जिनके एक से अधिक उत्तर होते हैं, जैसे इससे बच्चों को सोचने का दायरा बढ़ता है। हम ऐसे प्रश्नों को सोचने जिसके उत्तर एक से अधिक आए, निश्चित उत्तर ना आए, ऐसे प्रश्न सोचने से क्या होता है कि उनके थिंकिंग पावर एलिजिबिलिटी बढ़ती है, लॉजिकल एलिजिबिलिटी बढ़ती है, सोचने की क्षमता बढ़ती है। बच्चे कम से कम इसी बहाने बच्चे कम से कम एक तो हल प्रस्तुत कर ही सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और सीखना आत्मा समझ में हो जाता है, जिससे बच्चा के आत्मविश्वास विकसित हो सके। अब जब बच्चा आत्मनिर्भर आत्मविश्वासी हो जाएगा, सीखने की जो विधियां हैं, सिखाने की जो प्रक्रिया है, वो आपके लिए क्या हो जाएगी, सहज और आसान बन जाएगी। नेक्स्ट, जब समस्या को उनके परिवेश या वास्तविक जीवन के अनुभव से जोड़ा जाता है तो बच्चे अपने तरीके से सोचते हैं। हम आकलन में ये भी देखते हैं कि जो उन समस्याएं हैं उनके दैनिक जीवन से अनुभव करा दें तो उससे वो अपने हिसाब से सोचेंगे, इससे उनके सोचने की क्षमताओं में और वृद्धि होगी और विकसित क्षमता विकसित होगी और इससे और आत्मविश्वास अनुभव करेंगे। आकलन हमारा उतना ही प्रभावकारी होगा। बहुत से उत्तर आने का अर्थ है कि प्रत्येक बच्चा अपने अनुभव के अनुसार सोच सकता है। एक प्रश्न के अधिक उत्तर आए इसका मतलब है एक अन्य अन्य विद्यार्थियों के द्वारा हम
आंसर ले सकते हैं, या और अन्य अन्य विद्यार्थी अपने हिसाब से सोचेंगे। हमारे जितने स्टूडेंट्स होंगे, जितने विद्यार्थी होंगे, उतने विचार आएंगे और सभी विचारों के अनुसार अपनी बातों को सब समझेंगे। इस प्रकार से सीखना हम इतना सहज और लाभकारी बना देंगे आकलन की विधियों के द्वारा से। बच्चे की सोच और गणितीय समस्या के समाधान करने की क्षमता का पता चलता है। नेक्स्ट है, बच्चे ने की सोच क्या रहा है, बच्चे की सोच कैसी है और उसकी गणितीय समस्या के समाधान करने की कैपेसिटी क्या है, इसका पता हम लगा सकते हैं जब एक से प्रश्न का अधिक उत्तर होगा। एक प्रश्न का एक से अधिक उत्तर होगा तो उनके सोचने की क्षमताएं और गणितीय समस्या को समाधान करने की क्षमताएं विकसित हो जाती हैं। इस प्रकार से आकलन संबंधी हम गणित आकलन परीक्षण परिणामों के आधार पर भी करते हैं कि बच्चा ने कितना आकलन किया, आकलन बच्चे ने कैसे किया, ये भी आकलन करने की एक विधि है। जैसे कुल 20 अंक का परीक्षा था, उसमें एक ने 18 अंक प्राप्त किया, अंकों का प्रतिशत 90 है, ए ग्रेड मिला। अब इस प्रकार से जब बच्चे ने गणित संबंधी एक मानक परीक्षण को पूरा किया, उसकी प्रगति का विवरण हम देखेंगे तो उससे हमें निम्न सूचनाएं मिलेंगी। सूचनाएं क्या मिलेंगी? शिक्षक ने बच्चे को उत्तरों को विश्लेषण करके उसके अभिलेख सूचना में दर्ज कराया। गणित की विशेष अवधारणाओं को अधिक से अधिक ध्यान देने और समझने और स्पष्ट करने की आवश्यकता है। बच्चे के सही आकलन हेतु केवल प्रगति विवरण देकर संतुष्ट नहीं होना चाहिए। बच्चे का सही से आकलन करने के लिए हम केवल प्रोग्रेस रिपोर्ट ही बना दें तो ये सही नहीं है। और किसी अवधारणा को नहीं समझा, उसमें कितनी समझ कम बनी है, ये सूचनाएं भी ध्यान में रखी जानी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। बच्चे में किस अवधारणा को नहीं समझा या समझ नहीं बना, उसकी समझ कम बनी है, इसके बारे में भी हमको सूचना ध्यान रखना चाहिए और इसके ताकि बच्चे द्वारा हम कम और बिल्कुल न सीखी गई अवधारणाओं को सिखाने हेतु अतिरिक्त प्रयास कर सकें। जब हम ये बातें जान लेंगे, हमारे बच्चे किस बात को नहीं समझे, किस अवधारणा की समझ उनमें बनी ही नहीं, इस बात को हम जब आकलन के द्वारा हम समझ जाएंगे शिक्षक होने के नाते, तो बच्चों द्वारा कम या बिल्कुल नहीं सीखी गई अवधारणाओं को सिखाने हेतु एक शिक्षक अतिरिक्त प्रयास करेगा, अतिरिक्त प्रयास किया जाना चाहिए। हम बच्चों को स्व मूल्यांकन हेतु भी प्रश्न पूछ सकते हैं। इस प्रकार से हम तमाम विधियों के द्वारा बच्चों को आकलन करते हैं कक्षा कक्ष में। औपचारिक बातचीत के माध्यम से हम आकलन कैसे करते हैं, इस पे थोड़ा चर्चा करेंगे, प्रकाश डालेंगे। हम आपसी बातचीत के द्वारा बच्चे आपसी बातचीत द्वारा गणितीय अवधारणाओं को समझ बनाने के लिए आकलन कर सकते हैं। जैसे बच्चे जिस मैदान में खेलते हैं उसकी डेंग माने कदम से नाप कर उसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं। घेरा के लिए बॉक्स की गणना कर सकते हैं। घेरा पर आने वाले खर्च का अनुमान लगा सकते हैं। मैदान के किनारे किनारे क्यारी बनाना, फूल लगाना, इस प्रकार के कार्य में समय व खर्च का अनुमान लगाना, इससे हम औपचारिक बातचीत ऐसे ऐसे कामों के माध्यम से औपचारिक बातचीत के माध्यम से हम अपने बच्चों में आकलन का अनुमान लगा सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट विधियाँ क्या है? शिक्षक द्वारा अवलोकन, शिक्षक अवलोकन करके आकलन कैसे करता है इसको समझते हैं। गणित संबंधी गतिविधियों के दौरान बच्चों द्वारा सीखने का आकलन अवलोकन के माध्यम से किया जाता है। अवलोकन द्वारा बच्चों के बारे में जानकारी सामान्य व स्वाभाविक वातावरण में की जाती है। सिखाने के दौरान शिक्षक बच्चों को आकलन बच्चों द्वारा प्रश्नों के उत्तर देने के ढंग से कर सकता है। बच्चों की भागीदारी के स्तर को आकलन करके और अवलोकन करके आकलन किया जा सकता है। और अवलोकन के द्वारा बच्चों के बहुत से पक्षों का आकलन किया जा सकता है। देखिए, शिक्षक जब अवलोकन करेगा तो अवलोकन से बहुत से उसके
पक्ष को बच्चा शिक्षक समझ जाएगा। किसके माध्यम से? अवलोकन के माध्यम से। अवलोकन से बच्चों में आकलन व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप में किया जाता है, इंडिविजुअली और ग्रुप में। हाँ, शिक्षक बच्चों के व्यवहार, रुचि, सीखी गई अवधारणाओं और दैनिक जीवन में अनुप्रयोग इत्यादि बातों को समझने के लिए अवलोकन का सहारा लेते हैं। इसी से अवलोकन करके बच्चों के बारे में अपना दृष्टिकोण बना लेते हैं। शिक्षक को अवलोकन विभिन्न परिस्थितियों में और गतिविधियों में समयावधि में करना चाहिए। ऐसा नहीं है एक शिक्षक अवलोकन एक बार करे और भूल जाए, गलत। एक शिक्षक बच्चों का जो ऑब्जर्वेशन करता है, आकलन करता है, आकलन में जब अवलोकन करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, अनुमान लगा, अनुमान में जब उसको देखेगा प्रत्यक्ष, तो उसकी विभिन्न परिस्थितियों और विभिन्न गतिविधियों और विभिन्न समयावधियों में करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार अवलोकन कर दीजिए, ऑब्जर्वेशन कर दिया, खेला खत्म। नहीं, बार बार भिन्न भिन्न कंडीशंस में ऐसा करना चाहिए। यदि बच्चे विभिन्न गतिविधियों में संलग्न होते हैं तब उनका अवलोकन करना शिक्षक के लिए सरल होता है। गतिविधि बात आ गई, बच्चा जितना ही गतिविधियों में भाग लेगा, शिक्षक उतने ही सहजताओं में अपने विद्यार्थियों को अवलोकन कर सकता है ना? अर्थात कुछ वस्तुओं खेल के माध्यम से एक दूसरों के ऊपर जमा कर देख कर गतिविधि का अवलोकन करा करके बच्चा शिक्षक अपने विद्यार्थियों का अवलोकन करा सकता है। इसी प्रकार से ये आकलन की कुछ विधियां हैं जिसको हमने कक्षा कक्ष में चर्चा किया। परियोजना कार्य के बारे में कल चर्चा करते हैं, थोड़ा सा है जान दीजिए। हम आकलन में ये लास्ट बचा परियोजना कार्य, इसकी चर्चा हम कर या कल के वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही। थैंक यू क्लास। आप चैनल्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। चाणक्य कॉलेज के ऑफिशियली चैनल चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन को भी सब्सक्राइब करेंगे। वहाँ से आपको अन्य प्रोफेसरों के वीडियोज भी मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास। हाँ, थैंक्स। ओके।